नमस्कार दोस्तों, तनुश्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। देखिए, मेरे पास ये हुंडई का स्टीरियो आया है जो कि सेंट्रो सेंट्रो कार्ड जो है उसमें लग कर आता है, कंपनी फिटेड होता है। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें साउंड का प्रॉब्लम है, मतलब ऑडियो इसमें है नहीं। तो स्पीकर हमने चेक किया हुआ है, स्पीकर इसका सही है, लेकिन ये स्टीरियो से साउंड नहीं निकल रहा है। तो पहले इसका कनेक्शन वगैरह समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसमें कौन सा आईसी लगा है और क्या प्रॉब्लम है, आईसी का प्रॉब्लम है या और कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कौन सा आईसी लगा हुआ है वो भी हम यहाँ पे चेक करके देखेंगे, और चाहे तो इसको हम आईसी बदल के भी देखेंगे, और कौन सा आईसी इसमें चलेगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, इसमें कौन सा आईसी लगा हुआ है वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये कंपनी फिटेड होता है, इसका पार्ट हमें बाहर मिलने में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं आज इसको रिपेयर कैसे किया जाता है। अगर इसका आईसी वगैरह जो कि मेन आईसी है वो हम इसका खोलेंगे, ठीक है, खोलने के बाद देखेंगे अगर इसका आईसी खराब है तो इसका आईसी हम बदल के देखेंगे, और यहाँ पे कौन सा आईसी लगेगा, ठीक है, वो भी हम आपको देंगे। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल पे नए हो तो। ठीक है, कोई कोई दोस्त क्या करते हैं, वीडियो को देख करके चले जाते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे चैनल का कोई भी वीडियो आपको बुरा लगा, आपको अच्छा नहीं लगा, तो हमारे कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहता है, आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको जो है आज रिपेयर करेंगे, तो चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए। ठीक है, तो पहले इसका जो कनेक्शन है वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए डायग्राम दिया हुआ है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे जो है पावर कनेक्शन वाला जो कनेक्शन है उसमें लिखा हुआ है, और इसमें स्पीकर वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कनेक्टर दिया हुआ है, इसमें फ्यूज़ है, और ये देखिए सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो पीछे इसका देखिए कनेक्शन, ये कनेक्शन का जो है ये हो गया आपका स्पीकर कनेक्शन, और ये हो गया बैटरी कनेक्शन। ठीक है, बैटरी कनेक्शन ये वाला ग्राउंड है और ये दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, इसका जो बैक साइड है, हमारा जो का जो पोस्ट है वहाँ पे हम इसका बैक साइड का कनेक्शन का फोटो हम दे देंगे, अगर किसी को ज़रूरत होगा तो आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हो। ठीक है, और इसका जो डेटा शीट है वो भी हम वीडियो के अंत में स्क्रीन पे दे देंगे, और कार स्टीरियो के रिलेटेड कोई भी वीडियो हमारे चैनल पे आपको अगर देखना होगा तो आई बटन पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे हमारा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, सारे जितना भी हमारा चैनल में जितने भी कार स्टीरियो का रिपेयरिंग का वीडियो है आई बटन में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, कम से कम 30 या 25 वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हो, और हम इसको जो है पहले कनेक्शन दे करके इसको पहले चेक करते हैं ये ऑन है या कोई प्रॉब्लम है। तो कनेक्शन हम दे के आपको दिखाते हैं इसमें साउंड है कि नहीं, वो भी हम आपको चेक करके दिखाते हैं। चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं कैमरे को भी सेट कर लेता हूँ। दोस्तों जो है हमने कैमरे को तो सेट कर लिया, यहाँ पे जो स्पीकर है ये देखिए, हमने एक छोटा सा स्पीकर लिया है। ठीक है, इस स्पीकर को हम यहाँ पे कनेक्शन करके देखेंगे। यहाँ पे देखिए हमने जो स्पीकर का कनेक्शन है वो हमने कहा दिया, ये देखिए यहाँ पे दो ग्रीन है। ठीक है, ये दो ग्रीनों में हमने स्पीकर का जो कनेक्शन है इसको हमने यहाँ पे इस तरह से लगा दिया। ठीक है, स्पीकर कनेक्शन हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो है ग्राउंड और पॉजिटिव का कनेक्शन, ये दोनों जो है पॉजिटिव का कनेक्शन हमने इधर दोनों को एक साथ जोड़ दिया। तो यहाँ पे हमने 12 वोल्ट का पॉजिटिव का कनेक्शन यहाँ पे देना है।
ठीक है। ये 12 वोल्ट का हमारा जो पॉजिटिव कनेक्शन है वो हम आपको दिखाते हैं। पॉजिटिव का कनेक्शन हम आपको करके दिखाते हैं। ये हमने मीटर को जो है ऑन कर लिया, यहाँ पे डीसी पे सेट किया हुआ है। ये देखिए, ये पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का है। ठीक है, 12.17 हमें मिल रहा है। तो ये जो पॉजिटिव का कनेक्शन है इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। ये देखिए, ये हो गया। और ग्राउंड जो है, हम यहाँ पे जो इसका जो बॉडी है इस पर पकड़ने से ही इसमें लाइन मिल जाएगा। ये हमने इसमें पकड़ लिया। अभी इसको ऑन करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये ऑन हो गया। तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम पूरा पूरा फुल कर दिया है। देखिए इसमें 30 तक वॉल्यूम है, लेकिन स्पीकर पे कोई साउंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है एफएम का साउंड सुनाई देना चाहिए था, लेकिन इसमें एफएम का कोई साउंड वगैरह कुछ नहीं है। तो इसमें दिक्कत है ऑडियो आईसी में। ये कौन सा आईसी लगा हुआ है? ठीक है, इसको हम पहले जो है हम इसको जो आईसी है, आईसी में वोल्टेज सप्लाई कितना जा रहा है और डिटेल्स में हम देखते हैं। तब तक चैनल पे बने रहिए, पहले इसको हम खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों, कितना धूल मिट्टी इधर लगा हुआ है। तो ये जो सीडी चेंजर है इसको हम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये सीडी चेंजर का हमें अभी ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी हटा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसको स्क्रू जो है खोल के रख देना है। ये हमने सीडी चेंजर खोल दिया। इधर एक बेल्ट लगा हुआ है जो कि सीडी में कनेक्शन जाता है, ये वाला। ठीक है, ये बेल्ट हमने खोल दिया और ये सीडी चेंजर को भी साइड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए कितना धूल मिट्टी लगा हुआ है, तो उसको थोड़ा साफ कर लेते हैं थोड़ा। इसको तो थोड़ा साफ करके उसके बाद हम इसका आईसी कौन सा लगा हुआ है वो आपको दिखाते हैं। ये इसका पीछे का साइड है दोस्तों। ठीक है, ये पीछे का इसका साइड है। यहाँ पे कनेक्शन वगैरह लिखा भी हुआ है कहाँ पे कौन सा कनेक्शन देना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो हीट सिंक लगा हुआ है इसको भी खोल लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हीट सिंक पे स्क्रू दिया हुआ है, तो ये स्क्रू वगैरह को खोल लेते हैं। देखिए कितना मोटा हीट सिंक दिया हुआ है, तो हम इसको जो है हीट सिंक को खोल लेते हैं। तो दोस्तों, हमने इसका जो हीट सिंक का जो स्क्रू है सब खोल दिया है, इसको निकाल लेते हैं। या फिर और एक रह गया, ये खुल गया है, तो ये निकल गया। ये वाला है इसका ऑडियो आईसी। अभी तक इसको किसी ने खोला भी नहीं है, ये पहली बार है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा आईसी लगा हुआ है। शायद आपको अच्छे से दिखाई नहीं दिया होगा, हम इसको थोड़ा और थोड़ा बेंड करके देते हैं, तभी आपको दिखाई देगा। इसको अच्छे से थोड़ा साफ कर लेते हैं, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे लिखा है TB2929HQ, ये वाला इसमें आईसी लगा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा थिनर से हम इसको साफ कर देते हैं, तभी जो है अच्छे से आपको दिखेगा। इसको थिनर से थोड़ा साफ कर देते हैं। ये देखिए, हमने इसमें थिनर थोड़ा लगा दिया है, थोड़ा अभी जो है अच्छे से इसका नंबर दिखेगा। थोड़ा सूखने देते हैं। देखिए दोस्तों, TB2929HQ ये इसका नंबर है। तो ये आईसी में क्या गड़बड़ है? तो आईसी में देखिए थोड़ा कार्बन जैसा, पिन में जो है कार्बन जैसा हो रखा है। तो पहले इसका जो आईसी है इसको हम रिमूव करेंगे, उसके बाद देखेंगे
कोई पिन में कोई गड़बड़ है क्या? तो पहले इसको जो है हम अच्छी तरह इसको रिमूव करते हैं आईसी को, और रिमूव करने के बाद देखेंगे कोई इसका जो कनेक्शन का जो पिन है वो टूटा है क्या, वो हम देखेंगे। आप लोग देखते रहिए। यहाँ पे भी थोड़ा इसमें जो ड्राइवर है, ये जो ड्राइवर है, इस ड्राइवर में भी कार्बन हो रखा है, तो हम इस ड्राइवर को भी चेक करेंगे ये ड्राइवर सही है या कोई गड़बड़ है। तो हमने मीटर को भी बजर पे सेट कर लेना है, बजर पे लगा दिया। यहाँ पे चेक करते हैं, ये ड्राइवर जो है काम कर रहा है, ठीक है, ये ड्राइवर सही है। तो इसमें थोड़ा देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कार्बन हो रखा है यहाँ पे, हम इसको जो है जूम कर देंगे, ठीक है। और इसका जो पिन है आईसी का वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा कचरा जमा हुआ है यहाँ पे, जो भी है, तो इसको भी हम जूम करके दिखा देंगे इस वीडियो में आपको, यहाँ पे जूम कर देंगे, ठीक है। तो इस आईसी को हम पहले रिमूव करते हैं, और इसमें कौन सा आईसी लगेगा उसका डाटा शीट हम वीडियो का अंत में देखेंगे, अंत में हम आपको स्क्रीन पर दे देंगे, ठीक है। तो देखते रहिए, पहले जो है हम आईसी इसका रिमूव करते हैं। तो दोस्तों हमने देखिए ये जो आईसी है इसको हमने यहाँ से निकाल लिया, इसके साथ में एक हीट सिंक रहता है छोटा वाला, उसको भी निकाल लिया। और ये देखिए आईसी हमने बहुत मेहनत लगा है इसमें, जो है डबल सोल्डरिंग किया हुआ है, मतलब रिपीट सोल्डरिंग किया हुआ है रहता है। तो ये आईसी हमने यहाँ से निकाल लिया है, तो अभी जो है इसमें हम ये जो आईसी है इसको देखते हैं, यहाँ पे कोई गड़बड़ है क्या, कोई थोड़ा इसमें मॉइस्चर जमा हुआ है, तो यहाँ पे देखते हैं। ये आईसी अगर चले तो ठीक बात है, अगर नहीं चले तो इसको हम चेंज करेंगे, और यहाँ पे कौन सा आईसी लगाएंगे, लगा के देखते हैं काम करता है कि नहीं। तब तक चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए। देखिए ये आईसी जो है बहुत इसमें गंदा गंदगी जमा हो गई है, देखिए इधर। तो यहाँ पे थोड़ा हम इसको साफ करके देखते हैं ये काम करता है या नहीं। यहाँ पे देखते हैं थोड़ा, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो आईसी है यहाँ पे चलने वाला नहीं है, ये बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गया है, ये देखिए, ठीक है। तो इस आईसी को हम रिमूव करके, रिमूव तो कर लिया, तो यहाँ पे हम जहाँ पे आईसी लगा हुआ है यहाँ पे देखते हैं, ये जो आईसी का जगह है इसको थोड़ा थिनर से इसको साफ कर देते हैं। साफ करने के बाद यहाँ पे हम एक नया आईसी लगा के देखते हैं, और कौन सा आईसी लगाएंगे वो हम आपको दिखाते हैं। देखते हैं इसमें साउंड वगैरह आता है या कोई इसमें और दिक्कत है, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, नहीं तो सेम टू सेम आईसी डालना होगा। अगर नहीं हुआ तो सेम टू सेम आईसी हमको मार्केट में मिलेगा कि नहीं हमको पता नहीं है, हमको ढूंढ के देखना होगा। पहले जो है यहाँ पे हम एक आईसी यहाँ पे लगा के देखते हैं, जो हमारे पास अभी है वो आईसी हम यहाँ पे लगा के देखते हैं ये काम करता है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम एक आईसी लगा के देखते हैं, हम पहले आईसी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास देखिए ये 7388 का आईसी है। इस 7388 का आईसी का जो, और पुराना आईसी जो है, जो यहाँ पे जो आईसी था, इस आईसी का डाटा शीट जो है अलग ही होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन हमको जो है इसमें विश्वास है ये काम करने लगेगा, ठीक है।
ये पुराना आईसी है और ये हमारा जो है नया आईसी है। तो इसका जो पिन है इसको हम पहले गिन लेते हैं कितना पिन का है। एक एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, गलती हो गया। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, इधर तेरह है और इधर देखते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, इधर तेरह इधर बारह, ठीक है। और इसमें देखते हैं कितना पिन है, पहले इस तरफ से गिनते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, और इधर बारह होना चाहिए। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ये भी बारह पिन का है इधर, और इधर तेरह पिन का है। मतलब इसमें जो पिन है वो गिनती में बराबर है। तो इस आईसी को यहाँ पे हम लगा के देखते हैं, ठीक है। तो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो पहले हम इसका जो आईसी का जो पिन है थोड़ा सीधा कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम बढ़िया करके इधर लगा देंगे। तो ये हमारा पिन जो है हमने इसका सीधा कर लिया है। तो यहाँ पे बिठा के देखते हैं, बिठा करके इसमें सोल्डरिंग कर देंगे। तो पहले इसको बढ़िया के इसके बढ़िया करके इधर बिठा लेते हैं। और इसका डेटा शीट जो है, ये दोनों का डेटा शीट हम स्क्रीन पर दे देंगे। इसका आईसी को हम बिठा लेते हैं। तो दोस्तों हमने ये आईसी को तो इधर बिठा लिया, तो यहाँ पे हम थोड़ा सोल्डरिंग कर लेंगे। सोल्डरिंग करने के बाद ये आईसी को जो है सोल्डरिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने आईसी को यहाँ पे बिठाया है, थोड़ा मुश्किल हुआ था, ठीक है। तो इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं अच्छे से। सोल्डरिंग करने के बाद हम टेस्ट करेंगे। इसमें जो ऑडियो आना चाहिए वो हमें ऑडियो जितना भी मिलना चाहिए, ये ऑडियो वगैरह ठीक से मिल रहा है या नहीं, ठीक है। तो हम पहले इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। सोल्डरिंग दोस्तों अच्छे से करना होगा, क्योंकि अगर सोल्डरिंग सही से नहीं होगा तो ये आईसी जो है काम नहीं करेगा। यहाँ पे जो है पिन वगैरह को किसी देखिएगा, कोई पिन से दूसरे एक पिन से दूसरे पिन शॉर्ट होने ना पाए, इस तरह से सोल्डरिंग कीजिएगा, तभी ये जो है स्टीरियो बनेगा, नहीं तो बनने के बजाय बिगड़ेगा, ठीक है। ये हमने सोल्डरिंग इसमें कर लिया है, इसको थोड़ा अभी थिनर से इसको साफ कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें जो है सप्लाई देंगे। सप्लाई देने के बाद हम चेक करेंगे इसमें साउंड आता है या नहीं, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं, दूसरे पिनों से अगर शॉर्ट हुआ हो तो काम नहीं करेगा। ये देखिए ये आईसी जो है बढ़िया से लग गया है, ठीक है। तो इसको हम अभी थोड़ा टेस्ट करेंगे, इसमें ऑडियो आता है कि नहीं, चैनल पे बने रहो। तो दोस्तों जो है हमने आईसी तो लगा लिया, तो यहाँ पे जो हीट सिंक है इसको भी अच्छे से लगा के उसके बाद पूरे कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो हीट सिंक है इसको हमने, ये जो छोटा वाला हीट सिंक है इसको भी हमने यहाँ पे लगा लिया है, ठीक है। तो अभी जो है हमने ये जो हीट सिंक है तो इसको हमको इधर
लगाना होगा, नहीं तो आईसी जो है हमारा बहुत हीट हो जाएगा। ठीक है, हीट होने के बाद जो आईसी है वो हमको, हमारा जो आईसी है वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो आपके सामने ही हमने नया आईसी लगाया है इधर। इसका जो स्क्रू वगैरह है सारा स्क्रू हम यहाँ पे लगा के फिर से यहाँ पे फाइनल चेक करेंगे और इसका साउंड भी आपको सुनाएंगे। तब तक चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए दोस्तों। हमारे चैनल पे जो भी वीडियो है हम आंखों के सामने आपका काम करते हैं, कोई भी डुप्लीकेट काम हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखते रहिए। पहले इसका जो ढक्कन है पीछे का उसको भी लगा लेते हैं, क्योंकि पीछे हमारा अभी यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो पीछे का जो ढक्कन है इसको भी यहाँ पे अच्छे से लगा लेते हैं। ये हो गया, यहाँ पे एक स्क्रू है इसको भी लगा लेते हैं। उसके बाद आपको फाइनल साउंड भी नहीं सुनाएंगे, और उसके बाद इसका जो डाटा है, डाटा शीट को भी हम स्क्रीन पे लगा देंगे लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। नहीं तो जो है आप लोग जो है वीडियो को अच्छे से वॉच नहीं करते हो। ठीक है, तो हम पहले इसको थोड़ा साफ कर लिया। अभी जो है हमारा देखिए ये पूरी तरह से फिटिंग हो गया है, तो इसका जो कनेक्शन है, अभी इसका जो कपलर का कनेक्शन है इसको भी यहाँ पे लगा लेते हैं। और दोस्तों अगर इसका किसी के पास अगर कपलर नहीं है तो ये कैसे कनेक्शन करना होगा, हम इसका जो पीछे, जो पीछे का जो फोटो है फ्रंट साइड का और बैक साइड फोटो दे देंगे। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत हो रहा हो तो यहाँ पे हमने सारा कुछ कनेक्शन वगैरह हो गया। तो दोस्तों हम इसमें फाइनल इसमें करंट इसमें सप्लाई देंगे, बैटरी कनेक्शन जो सप्लाई है उसको हम सप्लाई देते हैं, और इसका जो साउंड है वो हम आपको सुनाते हैं। ये हमने यहाँ पे जो है कहीं पे हमको जो है ग्राउंड लगाना होगा। हमने जो है यहाँ पे ग्राउंड का कनेक्शन इधर इधर मिल रहा है, लेकिन हमने जो है ग्राउंड का कनेक्शन उधर नहीं दिया, तो यहाँ पे हम फिर से ग्राउंड का कनेक्शन ये हमने इधर दे दिया। अभी इसमें ऑन करते हैं और देखते हैं। इसको हम पहले ऑन करते हैं। ये देखिए दोस्तों ये ऑन हो चुका है, तो यहाँ पे साउंड सुनते हैं। हम आपको सुनाते हैं, हो गया यहाँ पे जो है पूरा वीडियो जो है पूरा कम सुनाई देगा, क्योंकि स्टीरियो में रिकॉर्ड है इसका बहुत कम होता है। इसका जो इसी का जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो दोस्तों आपको साउंड इसका सुनाते हैं। हमने इसका जो एडेप्टर है इसको बदल दिया है, क्योंकि जो एडेप्टर से हमने काम कर रहा था वो एडेप्टर हमारा ख़राब है, इसीलिए लोड नहीं ले रहा था। तो हम इसको पावर दबाते हैं, ये देखिए पावर आ गया, इसमें ऑन हो गया है। इसका साउंड सुनाते हैं आपको। दोस्तों ये ओके हो चुका है, ये भी बराबर हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।